क्या सीएनजी की गाड़ियां लेना एक बहुत गलत ऑप्शन होता है? क्या सीएनजी का इंजन खराब हो जाता है टाइम के साथ साथ में? क्या लॉन्ग रूट के लिए सीएनजी की गाड़ी प्रीफर नहीं करनी चाहिए? क्या खतरा सीएनजी में ज्यादा रहता है आग लगने का पेट्रोल गाड़ियों के बजाय? सस्टेनेबल है सीएनजी या नहीं है? सुनने में ये भी आया है कि सीएनजी की जो गाड़ियां होती है उसके सस्पेंशन खराब हो जाते हैं क्योंकि सीएनजी में थोड़ा सा जो है वेट ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें और इन्हीं तरीके और बहुत सारे डाउट्स हम आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं पूरे प्रूवन फैक्ट के साथ में, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट्स रहता है, मिथ रहते हैं सीएनजी के बारे में। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस और डाउट्स हम आपसे इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं सीएनजी गाड़ियों को लेकर। तो वीडियो शुरू करने से पहले नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है प्रशांत चौधरी, यू आर वॉचिंग द गोल्डन टॉक्स। और अगर आप अपनी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही काम की वीडियो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर समय समय पर लाता रहता हूँ। अब भाई बात ये है कि गाड़ी पेट्रोल की लो या डीजल की लो, प्राइजेस तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, माइलेज बहुत कम अपने को मिल रहा है और इंसान डरता है गाड़ी चलाने से। पहले तो गाड़ी लेना इतनी बड़ी बात होती है, अब गाड़ी चलाना भी उतनी बड़ी बात होगी। अच्छे अच्छों ने गाड़ी ले रखी है और खड़ी है चलाना बस की नहीं है आज के टाइम पे। और ऐसे में सीएनजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, नो डाउट। बट यहाँ पर लोगों के मन में कुछ सवाल आना लाजमी है, जो लोग सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा। उनमें से कुछ चीज़ें सही भी है, कुछ चीज़ें गलत भी है, और उन्हीं चीज़ों को जो है प्रूव करने, क्लियर करने मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस के जो हम बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के सामने आंसर करने वाले हैं सीएनजी के जो है रिलेटेड। तो जैसे कि सबसे पहला है कि भाई सीएनजी गाड़ी में क्या हमें तेज एक्सीलरेशन मिलेगा या कम एक्सीलरेशन मिलेगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, सीएनजी में ना तो आपको तेज एक्सीलरेशन मिलेगा नॉर्मल गाड़ियों से, ना ही कम मिलेगा। लोग ये बोलते हैं कम मिलेगा कम मिलेगा, नहीं। अगर आप मारुति की गाड़ी लोगे, कंपनी से सीएनजी फिटेड गाड़ी लोगे, तो आपको जो है प्रॉपर उतनी ही हॉर्स पावर प्रोवाइड कराएगी और प्रॉपर उतना ही टॉर्क प्रोवाइड कराएगी। लगभग अगर वैगनआर लेते हैं तो लगभग आपको 50 से 55 जो है हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली एक मिथ है, कंपनी फिटेड सीएनजी लो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब दूसरा क्वेश्चन कई बार लोगों का ये आता है, एक बार जब मैं लाइव पे था तब भी मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि सीएनजी कार हर रूट के लिए बेस्ट होती है क्या? भाई सीएनजी कार इज जस्ट लाइक एनी अदर कार, एक नॉर्मल गाड़ी होती है, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी चला सकते हो, गड्ढों में भी चला लो आप या खेतों में चला लो, हाईवे पे भी चला लो, कहीं भी चला लो। और उसमें पेट्रोल ऑप्शन भी रहता है, अगर आपका सीएनजी खत्म भी हो जाता है या आपको लगता है पेट्रोल से चलाना चाहिए तो आप पेट्रोल से भी चला सकते हो। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि सीएनजी की गाड़ियां किसी रूट के लिए सही नहीं रहती, किसी स्पेसिफिक जगह पे चलानी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लस ये तो इवन बेटर चीज़ है कि अगर मान लो मैं कहीं सीएनजी की गाड़ी लेके गया और सीएनजी खत्म हो गया, खराब हो गया, तो मेरे पास ऑप्शन तो है पेट्रोल में गाड़ी चलाने का। अगर मेरे पास गाड़ी ही पेट्रोल की होगी और पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ खराबी होगी, तो गाड़ी तो वहां बंद हो जाएगी। तो सीएनजी में तो उल्टा बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को। अब चौथी चीज ये है कि जब सीएनजी की गाड़ी इंसान लेता है तो क्या उसके सस्पेंशन पे फर्क पड़ता है? तो भाई ये चीज बिल्कुल सही है, सस्पेंशन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जो सीएनजी की किट होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, जिसकी वजह से गाड़ी के पीछे वाले सस्पेंशन पे फर्क पड़ता है, थोड़े से सस्पेंशन जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मारुति की गाड़ी लेते हो, कंपनी फिटेड सीएनजी लेते हो, तो मारुति की गाड़ियों में रेयर सस्पेंशन पे आपको जो है पैडिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से वो सस्पेंशन खराब नहीं होता है, सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप कंपनी फिटेड लोगे तो सस्पेंशन खराब होने के कोई चांसेस नहीं है, और हो भी जाते हैं तो कंपनी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। अब एक बहुत कॉमन डाउट भाई ये है कि सीएनजी की गाड़ी लॉन्ग टर्म चलाओ तो इंजन पर फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, दिस इज जस्ट अ मिथ। सीएनजी की गाड़ी ऐसे ही काम करती है जैसे पेट्रोल की गाड़ी काम करती है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप गाड़ी मेंटेन करो, सर्विस जो है टाइम टाइम कराओ, इंजन जो है टाइम टू टाइम चेकअप कराओ, कोई भी प्रॉब्लम आपको उस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई आग लगने के तो बहुत चांसेस रहते हैं सीएनजी में, तो भाई मैं आपको बता दूं सीएनजी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो है 700 डिग्री और जो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर है वो 450 डिग्री। तो टेम्परेचर तो दोनों का ही बहुत ज्यादा है, आग पेट्रोल में भी लग सकती है, आग सीएनजी में भी लग सकती है। बस सीएनजी में आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई लीकेज ना हो, थोड़ी बहुत अगर आपको स्मेल आती है तो वो चेक करा लो, जो कि जनरली नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीएनजी गाड़ियों में आग लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादातर आग पेट्रोल वाली गाड़ियों में भी लग जाती है, एक्सीडेंट होता है तो किसी में भी लग सकती है, बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि सीएनजी की गाड़ियों में आग लगती है। एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ड्राइविंग रेंज जो हम ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा दूर जो है सीएनजी गाड़ियों से नहीं जा सकते, तो भाई बिल्कुल गलत बात है। जितनी सीएनजी हो, जितने दूर आप जाना चाहो, लॉन्ग ट्रिप आप करना चाहो सीएनजी से, आप दिल्ली से मनाली जाना चाहो, कहीं भी जाना चाहो, इजीली जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। प्लस में बेनिफिट पॉइंट है ना भाई अपने पास, अपन पेट्रोल में भी उस गाड़ी को चला सकते हैं, सीएनजी प्लस पेट्रोल ऑप्शन अपने को मिल रहा है, तो दिस इज इवन अ प्लस पॉइंट। ऐसा कुछ नहीं है कि सीएनजी की गाड़ी है तो आप 150 किलोमीटर में चलाओ, नहीं। प्लस सीएनजी जो है आपको पेट्रोल पंप आजकल तो हर जगह जगह हर इवन गाँव में लगने शुरू हो रखे हैं, और नहीं भी मिलते हैं तो आपके पास तो पेट्रोल है, पेट्रोल में आप इजीली चला सकते हो। तो सीएनजी की गाड़ी आप कहीं भी बेफिक्र होकर ले जा सकते हो। एक पॉइंट ये आता है कि सीएनजी गैस की अवेलेबिलिटी, तो जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, अब जाके सीएनजी गैस हर एक जगह अवेलेबल हो गई है, हर एक सिटी में अवेलेबल है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो है ही, बड़े बड़े स्टेट्स में, बड़ी बड़ी सिटीज में अवेलेबल है, बल्कि छोटी छोटी जगह भी जो है आपको सीएनजी पंप्स देखने को मिल जाएंगे। अब भाई एक ये डाउट भी आता है कि सीएनजी की कार भरोसेमंद होती है क्या?
तो मैं सबसे पहले बताऊं, मारुति की गाड़ी ज्यादातर सीएनजी आती है। मारुति का सीएनजी पोर्टफोलियो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है, मतलब इतनी सारी गाड़ियां मारुति सीएनजी में दे रहा है। और मारुति की गाड़ियां बिकती क्यों है? सिर्फ भरोसे की वजह से तो बिकती है। भरोसा है लोगों को मारुति के ऊपर, आंख बंद करके मारुति की ले लेते हैं गाड़ी, तो भरोसेमंद रहती है। सीएनजी की गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, आगे को जाके आप उसको पेट्रोल में भी चला सकते हो, सीएनजी की ढटवा भी सकते हो, तो उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो आप सीएनजी की गाड़ी में जितना पेट्रोल में, बल्कि मैं कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा करो, क्योंकि आपकी जेब से पैसे बचेंगे। इवन आप नई गाड़ी लोगे तो पैसे भी कम लगेंगे, सीएनजी जो आपको माइलेज ज्यादा देगा तो वो भी आपकी बचत है, और सीएनजी सस्ता भी डलेगा वो भी आपकी बचत है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहता है। तो चारों तरफ से अच्छी चीज जो होती है वो सीएनजी ही है। बट शर्त ये है कि अगर आप गाड़ी सीएनजी वाली गाड़ी लेते हो तो कंपनी फिटेड सीएनजी ही लीजिए, बाहर से मत लीजिए, क्योंकि उसमें क्या थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती है। कंपनी में गारंटी रहती है, भरोसा रहता है, कुछ रिपेयर अगर कराना होगा कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगी, और काफ़ी लॉन्ग जो है ड्यूरेबल भी रहती है, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली ये वीडियो लाने का यही कारण था, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट चलते रहते हैं सीएनजी गाड़ी लेके, कि भाई सीएनजी गाड़ियां में तो ये दिक्कत रहती है, सीएनजी इतनी थी। इवन कुछ चीज़ों में मेरे मन में डाउट था जो अब से एक डेढ़ साल पहले मुझे पता चली थी, तो अब जाके हम आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आए ताकि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल पाए सीएनजी गाड़ियों की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, थोड़े शायद आप लोगों के काम में आई हो। और कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके मैसेज भेजो। इंस्टाग्राम पे थोड़ा आसान होता है मैसेज का रिप्लाई करना। अगर 1% भी आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती हो, काम में आई हो, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए सामने समय समय पर लाते रहते हैं।